दासी लिखे हैं मंदोदरी स्वामी बोले तो रावण यानी महल में जाओ पहुंचिए तो माल्यवान के कोठे यानी सलाह के ले तो सभा भरे ने आने अड़ो उपाय बतायो चौपाई में अर्थ है जो भगत बापू जी मतलब बोझ है जानकी जी मुंह नारे अड़ो कोई उपाय बतायो वंश थिए कि मुझे चियो करे की गाल रावण करे न तो एक बार भी लोगों मम होरा एकड़ो वक्त माता जी मुझे नंद अड़ो उपाय बतायो तो लोक ब्राह्मण में भक्त बापू लिखे हैं अड़ो अने में तुलसीदास जी चौपाई में एतरो जाए के ई पूछे तो सभा में मैंने कहे कि भाई मुझे माता जी दृष्टि कृपा दृष्टि अड़ो कोई उपाय बतायो मालेवान एतरो चई कि तो के तमाम वेश गिनते अची तो कदाज एकड़ो उपाय राम जो रूप गिने अने कदाज नारे इद्दतो जो कम थिए बाकी बियो कोई सोचे उपाय न तो तरत गुठड़ो उतरी गयो हाबे हु राम बनयो तुलसीदास जी लिखे था नमामि भक्त वत्सल कृपालु सिल कोमलम भजामि ते पदा भजन अकामि न सुधा मत लिखा पश्याम सुंदरम जटा बदे गरे हाथ में त्रण धनुष खणी गरे पीड़ो पीतांबर कसे गरे अने गुठड़ो उतरी गयो पण वियो उतरे अशोक वाटिका में अने माता जी के सामो दृष्टि दिना नया अन्या सभा इंज बैठी है अने रावण पाछो आयो तपर जे पानी जेड़ो वरण थी गयो है डाकड़े जे पेड़वाई छाती सुवाजे थी एकड़े हाथ में श्रावण बी हाथ में भाद्रवो टप 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 आंसू पेता अने मालिवान के ई चेतो के नु के रस्तो बताए खासो बताए न पूरो कारण थियो जे होरियो आउ वेश अने वेसे दड़ वादड़ वड़िया पण रावण भूल्यो रेश कुल असुर नो कागड़ा खाली आऊ आ भगवान फोटो बनियो तो भगवान जो चुको अंदर विचार हम दावे भगवान जो चुको चरित्र है भगवान जो आचरण है ई मुंह में जरावार को तो अची गयो तो ओए चार पा अने असी चार पाई ओडा राजधानी जे बोलू भी में मेहमान रख रही एक दिन हेत करे जी कुबेर वारसदार हो लंका जो एन के मारे कुटे ने कैलास के उड़ा कर दी छदियो अने आ वही रियो एते पहलो विचार आयो यानी भगत बापू ने मसानी बोध लिखिया आवाये संकल्प आवे रे मुने आवाये संकल्प आवे रामनो रूप धर्यो त्या तो रे मने आवाये संकल्प आवे संकल्प ने विचार पहलो विचार पहला भाई कुबेर ने हो जय मनाऊ पाछो एनी गादिए आवे पहला तो आऊ राम बनो श्री विचार आयो के लंका पाछी कुबेर के दई दिया अने एतरो ज न पण हेकड़ो सो ने अठ पारे नी मारा इतरा रावण पाप करी छदे वे अने मेर बने एड़ो पाप न अट थियो न हो इतरे लंका जी जाती स्त्री रूप गिनी अने ई चेती के रावण मथे जे वारे इतरा पाप करी छदे हेकड़ो पाप बाकी रियो के जो हक यटनो न ई तू यते केड़े मेर बनियो मारा पूरी थई है हन तो के ई चाती के लंका नगरी रूप धरी ने मने वन नी केड़ी इतरे रस्तो बता दी तप कर सुतो के कत की ठिकाने अछि बियो अन के पूरा हो धाई दूते ने दना पेड़ू जे के तू मारा दिल ने जानी डरावे ओडा ओडा नी गेरो केना राम जो त्याग ने केना मुझी ममता धाई दूते ने दना पेड़ू जे के तू मारा दिल ने जानी डरावे आने पाप बताए जुओ प्रगट बोले मारा रुडिया ने ये रोव रावे राम नो रूप धरियो त्या तो रे माने आवा ये संकल्प नावे त्रियो विचार आंग भिक्षण निये साचिये वातू मारे पापड़े पानी पड़ावे भरत पाए अने विभीषण मुझो पाए पाण प्रेम पोतानी पोथी खोली ने मने भरतनु पाठ गुनावे रामनु रूप धरियो त्या तो रे मने आवा ये संकल्प नावे मंदोदरी नी ये वातो ना तनखा मारा तन मा ताप तपावे अने मारी करणी मूर्ति धारी मारा ए आत्मा ने अगड़ावे राम नो रूप धरियो त्या तो रे मने आवा संकल्प नावे छेली कड़ी भगत बापू जे रावण खासो जो को राम बने राम त विचार आया मारू राम जो पैरवास के ने तो विचार न अची दमे जनो रावण खासो आ खोटो खोटो हो जा राम बनु जंगोलो राम रुडा माई आवे अने काग जानकी मावड़ी भासे मारू रावण
पणु विसरावे राम नो रूप धरियो त्या तो रे मन आवा संकल्प गावे। भजन पूरो भगत बापू गया रावण के गड़े घुटलो उतरियो पर वेकड़ो ज विचार के तामसी सरी से भजन नथी वेर भावे भजन करिया तज मुजो राम उद्धार करे अन एन वक्त रावण सभा परे केडी रीति युद्ध केनो पूरो उपाय केनो मंत्री के पूछे तो अने मंत्री इनके सलाह दे तो सचियो वैद्य गुरु तीन जो तुलसीदास जी दो लिखे त्रै मिठा पूछे त्री जो नाश थिए सचियो वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस राज धर्म तन तीन कर्ण होय वेग ही नाश। मंत्री मिठो पूछे तो राज जो नाश थिए गुरु मिठो पूछे स्वार्थ से तो शिष्य में रेले धर्म जो नाश थिए अने जो वैद्य એટલે કે ડોક્ટર દર્દ કે સમજે વગર જ મીઠો પૂછે લે મને ભય છે કે સ્વાર્થ છે તો દર્દ દર્દ ની બંદી દર્દ જો નાશ થી મંત્રી સલાહ દેના કે કેન રીતે પૂજવો આશા કે ઉપાય સુજે ન તો જે જો વાનરા ફૂલ મથે પ્રાંત બધી ને પૂજી આયા તો કે ગળે નથી રસ્તે ઈશ્વર સમજો ગાય ને છતાં આતીનવા અને એમ રીતે તૈયારી કરીતા ઓડા ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યાં છે સંધિ મેળે ના આવે અંગત કે હલાયા સી નીતિ મતા પાણ जितनी होए पांजे व्यवहार में धर्म में लोक में अच्छी पण व्यवहार कर छ रहयो हाण जी युद्ध जी तैयारी करयो अने जानकी जी के हिकड़ी कड़ी सण युग समान वजे थी वानरा टूक में वरण तबो रो युद्ध जो पण वानरा लंका के जो फिर घेरो गाले पत्थरे से याड़े से अने के सामने राक्षस मते हमलो किया। रावण के खबर पई रावण तैयारी करे तो युद्ध साम सामे युद्ध थिए तो थोड़ी बात तो भगवान माया के में रावण जी हार थई वरी भगवान जो को राम वटे वने ने मत हाथ फेरे ने पाछो हला એટલે ત્રણ તે પોલીસ ને પોલીસ તોડ કરી પાછા રવાના થી અનેક પ્રકાર યુદ્ધ એમાં રાક્ષસની હાર થઈ એનો વખત રાવણ કે સમાચાર થયા કે પાંજા રાક્ષસ ગજ મરે તા અને વાનરા ત્રાઈમાં પુકારી શ્યા લંકા ને મેદાન પર તેરી મેઘનાથ કે હલાય કે તું વેન અને એની કે સહાય કર મેઘનાથ સામે યુદ્ધ થયો તો એને ભગવાન રામચંદ્ર જે તા કે મેઘનાથ સામે લક્ષ્મણ કે જે તું તૈયાર થી ન કઈ માડું રવાન રે કે હેરાન કરતો પાછો અદ્રશ્ય થી ને મેઘનાથ આકાશ મે લેવો ને મથાની પથરે ની લોહી ની અને એડી વરસાદ કંદો એડી કથા રામાયણ મે અચે થી અનેક પ્રકાર યો તલ્યો છેલે કોએ શક્તિ જો બાણ લક્ષ્મણ કે કા કરે તો યો તગત વડો હે મે અઠ ડો પણ આ ઇન મે ચોપાઈ જામ થી પણ પાપ્યાણ કથા જે વિરામ તો વિજણો હે એટલે પાટ ટૂંક મે જો યુદ્ધ જો વણ કર્યું તા લક્ષ્મણ કે બાણ લગે તો અને મૂર્છા જલી આ સાંજી જેડો 5:30 જો ટાઈમ દેન લે चारण जी मां रामायण में के सांझ के समय में बाण लगो मूर्छा जी लंका जे मैदान में एन में राक्षस उपाड़े जे प्रयत्न करी था पण सेसा अवतार हो धरती जो वजन वो मथे उपड़ी सके न तो अने एन वक्त हनुमान जी के खबर पई गोदिंदा गोदिंदा अने पुगा लक्ष्मण वटे लक्ष्मण के खणी जते राघो बैठाई ते कोठे जेदा ने नमस्कार माणक भाई कवि लिखे तो जो रामायण चौपाई है लायो हनुमंत लखन ने गाये सगती सूड़ थी गोरा रूपाला अंगड़ा खरड़े लोई ने दूर थी लेता पुछंगे लबड़ता पर मारो हृदय बिगड़ी जाए छे रघुनाथ जीना रुदन मासुर प्रकृति पूरा है छे रामायण मेरा बोपुरा ही भगवान बैठे काने रो नाई एड़ो तुलसीदास जी लिखे तो पांचा चार महात्मा लिखे था भगत बापू लिखे था हेकर जटायु ये गा जो पग कपाई पे लुई चोटी रही हुई दूर लुई में फिर यता खोले ने खंखी नेता ने तेर जो अखी में जाने पानी खिराई ते जटायु भई रामायण वेजे तो आश्वासन दे तो महाराज दुख खोटो करयो तो रावण तो लात कम करी है अरे तो जा पग कपी है बापू पग कपी मुंह के गच उपकार के जेकड़ो तो थिरता ने जाम फरियो पगवा दस त्या दर्शन न थिया हरियो अने पग कपी फिर वही मिलिया थिरता जी एकड़ो योग कर के बियो मथो कायम छरे मथो कपियो देवरा जे खोरे में न दर्शन करी रहियो यहां अने त्रयो महाराज गणे पूज करे ते दशरथ करे जन्म मिले अने एड़ा अब जो जे वरे कल्पे सुधी पूज करे ते दशरथ जे कुंवर जे खोरे में मरण थी आने खोरे में प्राण छड़े रावण मते तो हुक्कर लिखिया तो भगवान जे दर्शन के से करे अने अंदर जी विचारधारा जपे तेर भगवान होए ता अने का पाछो यार लक्ष्मण के मूर्छा छे थी तेर रोए ता अने लायो हनुमत लखन ने गायो संती सूर थी घोरा रूपाला अंगणा खरड़े लोई ने दूर थी लेता उछेंगे लबड़ता ने मारू हृदय पिगड़ी जाए छे रघुनाथ जी ना रुदन मासुर प्रकृति पूरा छे कोई समाचारो सुमित्रा ने जड़ी आना जो जसे जो सुमित्रा के खबर पई के लक्ष्मण के मूर्छा आची हुई है तो समाचारो सुमित्रा ने जड़ी आना जो जसे तो कंपावे छे कल्पना एना हृदय मासु थसे ओमे उर्मिला अरे अन्न क्या पूरू खाए छे रघुनाथ जी ना रुदन मासुर प्रकृति पूरा छे।
कोई रण रोयो नथी रण गेलुड़ो भगवान चेता कड़ी मारू रोनो नाई सरार जागतो रियो है सावधान रियो है रोयो नथी रण गेलुड़ो माया माई मोयो नथी जोयो हमेशा जागतो है ने सुतेल क्यारे जोयो नथी आडसा जोई एमनी अति आत्मा अकड़ाए छे रघुनाथ जी ना रुद्रमान सुर प्रकृति पुराए छे। चौथी कड़ी में मानक पे लिखे है चरण गोम सुनी रात काड़ी अने दुश्मनों नो देश छे आब धरती बीच आज एकलो अवदेश छे। करुणा ने दीप पर करुणा ना बे मथे जीवे ते जको करुणा करे एने मथे करुणा जा वाडड़ा उल्टी पे आई એટલે करुणा ने दीप पर करुणा करुणा ना वाडड़ो घेराए छे रघुनाथ जी ना रुदन वासुर प्रकृति पुराए छे। कोई पांचवी कड़ी में आने आता फल को चेता एक कड़ी में देवताएं जो कोई राम जो दूत जीते तो माथा ने फल ने वेस्टी करे और नका उड़ाए ना छे कोई जय जय कई ने जेवो टूपरे फूलड़ा वर्षावता पण आफत काळे ए बधा ओरा नथी कोई आवता दुख देखी देवताओ दूर भागी जाय छे। रघुनाथ जी ना रुदन मासुर प्रकृति पुराय छे कोई वेले मोठे वांदरा सो शोक आतुर सामने वेले मोठे बैठाई अने भगवान के सामने विचारी ना कोरो उपाय केनो वेले मोठे वांदरा सो शोक आतुर सामने पण भीतर रड़े छे भोरुड़ा रड़तो निहाळी राम ने अबोल रानी आंखड़ी मां आज आंसुड़ा उभराय छे रघुनाथ जी ना रुदन मां सुर प्रकृति पुराय छे। एत छंद भोगो तेर हेतु गालियो क्या भगवान पण तेर कवि गालियो के अने भगवान जी वेदना एन वक्त हनुमान जी सामे वैसे जदा महाराज हन कारण से कोई पण पावटानी समस्या हल थेती नाही अई हुकुम करयो एन में नारद दास जी साथ पुराय छपय में अपन सोच नव तेज करूं मम रहत झुकी कर पेट अगम पाता अमृत आनोचन अंतर निशा नाथ निश पे सुदा लक्ष्मण मुख मेलू तव प्रताप रघु दिल तो खेल भुज पद ये खेलू दिन मणि भोय आए बिनु दर्श देत नहीं काऊ डरो कहे मारू की द्वादश अर कर्ण मीण चूरन करो। हनुमान जी जना महाराज शौक न करे जो दास यहां हुक्म करे पेठी अगम पाता सत पाताड़ वेदे अमर कुबो खणी जा अने लक्ष्मण जो उभो करे छे भगवान ने कहे सहसा अवतारा एकड़ो गवाजे राजा अने बियो उभो थी ई नहीं केलो जे निशानाथ ने स्पिरिट निशान रात एन जो नाथ चंद्रमा एन में अमृत है अई हुकम करे चंद्रमा के ने पोड़े ने अमृत खणे उभो करियो भगवान जे ई नहीं केलो आई जियां ते के यार सुए सुएल पर्वत मथे के चंद्रमा में दाग को जो बड़े पेजी जुदी जुदी अभिप्राय देना पण आई चंद महाराज आ जो दास है एन में आजी श्यामता है हकड़े दास चो अहित थिए अने हन जो हित थिए ई नहीं के चेता जे महाराज ई हुकुम करयो द्वादश अर कर्ण में चूर्ण करू 12 सूरज जी गणत्री है पांजे ब्रह्मांड में मणि के चूर्ण कर जो सूरज वे तो के ई नहीं के नो चाहिए सूर्य वसी दासी है सै पितृ जो दोष लगे तादे महाराज हुकुम करयो जामुवान मत देने सुसेन होई के उठ आने शिक्षण वैद्य के हनुमान जी ज्या पगे लगे विवेक क्या के कार्य है जो तले तो राम रावण जो एडमे लक्ष्मण जी के नेठे पा के मूर्छा होई तो दवा कहे है चाव लंका में रहतो अने रावण जो ज्या पाछो वो वही थिया आ हलान तो उ मुगे मृत्यु जो दंड करे की वा तो मकान सीखे खणिए चेता हन में तुलसीदास जी लेके अवतार दे मकान सीखे खणी रखे लंका जे हनुमान जी राम पटे अने ने जने शिक्षण निकरियो वंदन करे ने पोचे जे बाप जी दवा का करिया पण मुके रावण जो कहे है अने रावण को दंड ना उंजो उंजो उंजे नगरी में राम तो भगवान राम कहते हनुमान जी सलामत खणी दे पाछे छडी जो पोए पाछो सुसे जान दवा कंदो तो भगवान चे ना किए ते जो कारण को हाण दवा कने जो कारण को जे ना कियो ते तरे लगे आ जाना को सामान्य छत्री उंधा सामान्य जीव जी लड़ाई है पर जीव जो कर्म ना ई ब्रह्म ही होई मा समझी लियो से की ओरखे जे सामान्य जीव चे इन टोकरे टोकरे करे जो इनके जीरो न छरी अगर रावण जी सुन ब्रांच से पड़ी दवा का तो ते बराबर थे रोन इनके मारी देजो ही गुण ईश्वर सिवाय न वे के इनके सलामत छडे जो जीव दान देनो ईश्वर जो कम है माटे हाने दवा का तो ते पर हनुमान जी के जा हुकुम कर जे सवा पर लग कोस मथानी डूबरो है इनमें जड़ी बूटी खाई है इनमें हनुमान जी उबा छ आधार पर जो महाराज लक्ष्मण ला कने जी जो के तैयार है रवाना छ एक खबर रावण के पेती हनुमान जी जड़ी बूटी खाएला पर पथे वने दा ले काल ने में वटे प्रार्थना की तू वे इनके बाधाओ भी कर त सूरज उगी छे त लक्ष्मण जी उभो न थिए काल ने में अगे वने एकरो आश्रम जी नेड़ी पिजी रीते राक्षसी माया उ भी के तारा जी मोरे पिजो आश्रम बनाए हनुमान जी के घटना रावण जो गणित त्रो के इनके ओने लग दिन उतर दो निकी एले रावण काल ने में गेला है इतकरे हनुमान जी उतरिया
वेनी ने महात्मा के पगे लगा से बाप जी पानी पीणो आज पानी कुए पीची पहला जे तू आ को पगे गुरु बनाया एंजी नीति बई भी से गुरु कुए बनायो पहला वो पानी पीचा को मको गुरु दी इकट्ठी बैठी बात बात जा पोते मागा पानी पी तरह उतकड़े एकड़ो रोसी जो श्राप को अप्सरा के वो मगरी थी तो भाई उनके हेड़ो हो के जय राम दूत तो के परस थी तो ते तो में जा तो जो उधर थी ने तो वो पग पकड़े सत्य पग पकड़े उधर थी है पग पकड़े पग पकड़े हनुमान जी इनके पाछो मुस्ती का जो प्रहार किया ने मूल स्वरूप में आते ने कोई चीज महावीर जी वो साधु ना ही भला जी जी ने साधु समझी ने किए व्यवहार करो चे तले च कारण में रावण लाए सिकी माता जी वाला पे दिव्य स्वरूप धारण करे डेवलप में ले गया हनुमान जी जी ने सीधो चिया चे हाणे मु के दक्षिणा पुए डी पहला आ तो गुरु दक्षिणा दिया पछ में बैठे ने पछाड़े ने कहा कि ओदार करे ने यात्रा दिया भाई ओते पण पण में दिया री माया रचे हनुमान जी की वा तो मूड़ा सो डुंगर के खणी अने रवाना थे तो नंदीग्राम मथन आया एड़ी कथा एनमी अचे थी अने भाई रामायण अचे थी भरत के ई शंका थे कि यो तले तो को राक्षस वेजे तो अने डुंगर खणी वेजे तो ओते की नुकसान कंदो इले बाण जो संधान के बाण जो संधान के गोठण में बाण लगो सियाराम कदे नीचे उतरी पिया ते मेरो भरत के बोल समझाणी पगे लगा छे बाप जी आ समझी न सकियो पर एकड़ी बोल मुजी समझाणी छे केड़ी छे भगवान लक्ष्मण के कोठे व्या अने मुके न कोठे व्या ये वांदो ना हाजिर न हो को चित्र कोटे आ थियो के आऊं हेतरा तो लक्ष्मण के हलायो ताए भगवान ना किया ई बोल समझाणी के राम के ई खबर हुई के इनकी दृष्टि में दोष है मुके राक्षस रामदूत लगनो खपे त ने रामदूत मुके राक्षस लगो मुजी बोल समझाणी ना का मुके कोठे अने एन वक्त कोए भाई कथा जी थी नारायण सूरज जी में के उर्मिला मरक 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 खेले त हनुमान जी ची मां आज पति देव ती गा थियो ना के प्रसन्नता है गाल मुके खड़े लगी उतरे से असी गृहस्थी अने अई ब्रह्मचारी असी पर वहां पर चित गाली कर हनुमान जी के वधारे रस पे जना मां समझाया चे पीड़ा थी रुए सचो चे हाँ चे रुए के तो चे रुए तो राघव चे राघव रुए तो चे हाँ चे मुझे पति रहे चे खोरे में है मथो अने जोखम में है चे तारे सुनी गिनो महावीर जी बारो वरी स्त्री बारो वरी भोजन बारो वरी नंदर जो त्याग करे अने ईश्वरी राम की सेवा में विजन एन के हेकड़ो डी आराम न मिले तो ना के बटो लगे गा राम ते थे एक बाण जे बाणे खाली आराम करे तो असन चल ते में अच्छी थी अने मुके मुझे तब से भरोसो है मुझे पति देव के किए न थिंदो कथा ने आगी अच्छी थी सुलोचना ने जी अरे अने भरत जी चेता से हाने आओ मन कर मने वचन से राम जो भगतवा तो तू पीड़ा वे जो थी वे सूल एते पीड़ा थी वे अने हनुमान जी पीड़ा रत थी विया अने पुए हनुमान जी समझाणो के मन कर्म वचन से ही चे तो पीड़ा रत थी मुके पीड़ा ने कहे आओ बोलता वटी गयो उते करे आओ ही चियो के भगवान रामचंद्र जी की कृपा वे अने लक्ष्मण उभो थे थी वे खपे पर हाने तो मोटे समय ई बोल सुधारे लनाई अने इनके बाण मथे वेराय अने अचे तो ने पुए कवि ते छंद पूरो के इन वक्त जायो अंध नीनो अने आ बचीरी आवियो आवी जीवाड़ियो लखन ने अद्भुत औषध लावियो रोणी रयो छे राम कायम ने गुण माणिक गाय छे रघुनाथ जी ना रुदन मां सुर प्रकृति पुराय छे अने लक्ष्मण जी ये खोरे मथो भगवान ने खोरे मथो पीवे सुसेन उर बेटा सुसेन के दवा देने पोरखे ने दवा देने सुसेन ने दवा के बनाए अने में जरा वेते लोई बंद न थे खून बंद न थे तेर हनुमान जी जे महावीर जी चे जम कडियो जा पाने के नी अने में जरा डाक में वेदा बंद थी वही नारायण सूरज उतरका अने उनी रामायण वेची थी ते फेरो बंद थई को सुसण पछे जे बाप जी करो क्या जे समझाणी गाल पर बोली समझा गा उत्साह बोल कोस ने धक्को न पियो हां जे भगवान जो नागरी ने जे दाबी होते जे राम नाम की औषधि खरी खत से खाए अंग पीड़ा व्यापे नहीं महारो मटी जाए लक्ष्मण जी उभा थया हेडा रावण के खबर पे थी लक्ष्मण जी पाछो जागरूक थी वे एक कुंभकर्ण वटे वे हां अने कुंभकर्ण सुतल है अने उनको उठिया है अने चार महात्मा लिखिया कुंभकर्ण सुतो है एन मथे टीवी में हरी बार ही जो है सत्य घटना हुई मथे हाथी जा चिंगार किया डोल बजाया पर ई नारायण दास जी लिखे था कि सुतल दिन कुंभकर्ण जो ना त्रे बुरी ते पियो एकड़ो कान इंडिया घड़े जड़ा हुआ એટલે कुंभकर्ण बियो प्राणायाम जो त्रे प्रक्रिया में जान दो पूरक એટલે श्वास के खाणो रेचक એટલે छड़णो अने कुंभक એટલે श्वास के जले रखणो ही देवा जी इतरो वे वो हजार हजार वे सुधी श्वास के धारण कर सकते बे गीत सोतो है बालकान में चौपाइया हुई पहला के श्वास धारी कृत बरस हजार तुलसीदास जी ने कहे हजार वाले सुधी देवा लो छह महीने में तकरो छवन का थोड़ा पे ना अने ये सोतो है अने ते रावण जी ने चेतन में चार महात्मा लिखे
अड़िया कुंभ असुरान राम संथरा तमन की मन हु मेघ दिसि दखन व्योम बीच बीच चमन की काड़ काड़ लड़ काड़ काड़ देव सुर नर वर थज्जी फड़ फड़ा जी लांगूर ने की सुर गर नर तज्जी अही कौल तौल रसना कस्यो बबकी हर गण भग्यो दस कंद नंद पन रखन को मन हु काड़ सोवत जग्यो काड़ यड़बो फाड़े दी उबो थ्यो अरे उबो थे फिर रावण चालू थो हेतरा है जो तुम्हें ही थो है ही घटना घट रही है तमाम सुनी गिरे रावण पंथ थो ही चालू थो अने तुलसीदास जी डुओ लिखे के सुनी दस कंदर के वचन अने कुंभ कर्ण बिलखान बिलखान जो अर्थ थी अकड़ाणो खाराणो रावण जो वचन सुनी अने खाराणो अने क्रोचे जगदम्बा हरि आनी के सठ चाहत कल्याण माता जी यो हरण करे अने तू कल्याणी इच्छा करी तो मूर्ख ही भगवान है अने तू अजा न तो समझे कि कुंभकर्ण जा बोल अने कोई ही जान माता लेके आ कोई के चे तू राजनीति शंकर भगवान तो जो गुरु ने सिखी है न तू चे तखत ते बैठा नहीं माडे ने राजकान जो लगे घड़ के सावधानी तो तपस से पूरा सावधानी चे पहली सावधानी के ये कामदेव के बारे माडे कुंभकर्ण रावण चे तो कामदेव के बारे तेनी द्रौपदी रति प्रार्थना के क्या अनाथ थी रिया मुझे पतिदेव मरी गयो अने ये करुण आर्थ नाथ स्वयं माडे जे अजनो तो जे पतिदेव जो ना अन्नग पोंतो एतरे के अंग वगर मणि के व्याप व्यापक थी दो बद्धा ने व्याप से जे तो शिव जी बाकी नरिया न को शिव जी ता की समर्थ है ते काम की करे न सके पर कुंभकर्ण चेतो के वड़ो करी निद्रा करी यो लगन के भैया हिमालय जी करे जंज वही ने એટલે સાવધાની લખણી જરૂરી છે લગ્ન કે એટલે કે પાર્વતીજી સાથે હથિયાર રાખવું જરૂરી એટલે લગ્ન કે પહેલી સાવધાની ભાઈ સાવધાની છે કે પાર ખોલે તે કામડે ઉભરી અને મથે કબુ વિહંગમ કેલ કિલ્લા શબ્દ પાણી કબુ ગાજતી સિંહ નાદે દીવાની ભાગે રતી ભાગ મેરો ખુલાડે મૈયા પ્રિય મેરે સો મુજે મિલાડે અરે બુજાડે પ્યાસ મેરી બુજારે અને મૈયા પ્રિય મેરે સો મુજે મિલાને મથે ગંગા લે કે પાર કે ભાગ લે कंठ में जेर रखनो मथे चंद्रमा रखनो टाप 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 अने राम नाम रूपी अमृत चालू ऊंदर तूफान करे सब के छूटो करे सब तूफान करे कार्तिक स्वामी जे मोर के छूटो करे हाथी पणो गणपति के रहे पार्वती को पंचानन गानन गणेश तू पहन के हेत्री चीजों का समाधि में त भीरियो हले आने जाए त भीरियो अने एन जो शिष्य थी ने तू राजनीति न सीखे रावण के डबल खा जड़ो तो के सलाला नाही उठे युद्ध उठे तो युद्ध कहो है कि नहीं कहो अरे बापा गाल सच्ची है बटा बाप पर तू बोलो के हाँ सुनी कि कितनी बोलो कोई ना हर क्यों बोलो बाकी रही इसी केनी हुई कि करो बोलो कि जान की जो हरण बोल बाग के अपमान सभा में जब कटी जो नहीं बोल वान रे जब पूछते आग लगाए ने छूटो छड़ नहीं बोल अक्षय कुमार अंगत युवराज संधि लायो इन जो अपमान केनो ये बोल अने मारी जी के भगवान साथ मारा है जनो ये बोल ये बोलो कंदे 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 ने अन्या मुके लगे तो तोके नते उठेरी छेरी बोल रही थे वही थे तोके उठिया रेगी ना तोके राम भेरो करी से दिया ये बोल करे अने छेले मिनी के भगवान भेरो करे अने छेले आऊं जी करे मरी गी ना मात भगवान जी हथे मड़े जी कंडो कंडे से ने करे लो से लो कपाजे ती छेले बोल कंदे कंदे राम जी हथे मारा तू जी मड़े बोल सुत रही है अने चौक में कुंभ कर दारू जा घड़ा मंगाए अने अमुक जो खाज मंगाए अने युद्ध के चढ़े तो तुलसीदास अड़ो वण कें के नक में वांदरा डुरी विजे कन में पाछा निकली जिंदा हुआ इतरो तोतिक जो तो हो पण ई छणियो तर इतरे जो तो कचड़ करे थे वांदरे जो पण अने कुंभकर्ण जो मृत्यु थयो अने मेघनाथ के खबर पई कुंभकर्ण काको छणी पियो है एटले निकमला देवी मां काली तो विजे तो यज्ञ केला ई विभीषण चे के यज्ञ करी वे तो मरतो न पानरे गलाई एंजा वार ताण्या यु पछोटियो ताण्या एडो क्या जरावर त्रास न निकरियो बाहर निकरियो ने अंतरस पाण खणी ने एन में भगवान रामचंद्र इच्छा जे लक्ष्मण के जाणे विन तू उ माडो जेड़ो है पानरे करे तकलीफ दीदो लक्ष्मण जे चिंता मैदान में साम साम में युद्ध थे तो लीजो एन युद्ध में घणे वरण खेलो है रस सहित अतर चढ़ी तो वजे वरी पाछो अदृश्य थी तो वजे कर भगवान हनुमान जी के कर पुष्टि का जो प्रार हनुमान जी करी था कि हनुमान के ई बाण जो गा कर तो ई बाण कंदे कंदे ने छेले भगवान रामचंद्र जी ने डोबा लक्ष्मण जी ने के बाण चढ़ाए अने गा के इन में मथो कटी दे पहले बाण में मथो वियो रण मैदान में दड़ पे रण मैदान में अने मथो इन थोड़ा दूर छणियो अने एकड़ो बाण भोजा दे है कि भोजा सीधी सुलोचना जत वेठल वात दासी मुर में उबे ना अंगण में सुलोचना जे मुर पई भोजा सुलोचना राशि के जेती भोजा मुझे पति देव की लगी थी और मुझे पति देव की ई मारे सके जो को बारो रे स्त्री भोजन ने नंद जो त्याग करे पर गाल करू है खड़ियो मंगाई थी सुलोचना राशि खड़ियो ने
खड़ियों ने कलम देना भोजा के अने वेखे के भाई यो तले तो लंका में इन में भोजा तो वटे हलाए मथो खपे तो राखो वटे पियो है दड़ रण संग्राम में पियो है अने 12 वरे न पर 12,000 वरे तप कर सके एड़ी व्यक्ति मुगे मारे है अने लक्ष्मण जी यो चरित्र देने अने भोजा पालखी में वेजी अने अचे तो रावण की सभा में पहलो तो जरा धरना राखस भगवान रामचंद्र जी या वानराज गाय है जना घर जो मंत्री क्या जे पुत्र वधु है रावण जी मूर में आया अने रावण सामे अने मंदोदरी सामे एतरो बोलिया कि निशिचरराज मुके सती थीनो है अने मां राखो वट मथो मंगा दियो त मंदोदरी रा अने रावण वो ही बोलिया कि बेटा तू गनी है अने वो मंत्री ही छे कि क्यों क्यों कानून क्यों वेद कई लोक की रीति है जे जी धर्म परियो पत्नी जो हरण करे अशोक वाटिका में रखे आया अने इन दुश्मन की सभा में इतने लोक में सुंदर स्त्री ना नाग के न्याय इन कई सभा में आ रहे हैं के जरा विचारण खपे जो मृत्यु नजीक लगे तो रावण बोले कि मु जो तो नजीक ना पर आ जो नजीक है जे से की चाओ जिन सभा में हला रहे हैं ये विभीषण ता जो सोरो है ना हनुमान जी तो पाल ब्रह्मचारी साक्षात मूर्ति है लक्ष्मण तो यति है अंगद तन जो पुत्र है अने वण कते कते रावण छले ही जे के सदा नीति रत राम नरेसा तहां जात कहो कवण कर लेसा सदा नीति जो रत राम जे पत्नी व्रत एक तरह उत्तम ने ना निरखेंद्र से पर नारी एड़ो चुको राम एनी सभा में हला रही है एतरे मुके कोई भय नाही ई राम की सभा के विचारो खपे मुजी सभा में ना लाणो खपे कोई बैन नीति अने पुत्र वधु के हला तो एनो के तोकड़े वांडा जे तक रावण जी पुत्र वधु अचे थी जे अचे थी मथला जी ने उने पेर में पुए पगे लगा अने पूछा के माता जी मथो आशीष दियो के सती स्त्री अने सुलोचना के जे पहलो लक्ष्मण के पहलो ही जे सुलोचना जे लखन यो तो मुझे पति रे जो तो जो न हो यो तो मु जो अने सुलोचना जे जे उर्मिला जो हो पर तप में उर्मिला वती है तू जीत्यो ही तू जीत्यो नहीं तो जो तो उर्मिला तप जीत्यो है वो 12 वरे जे सांकाणो ही योगो है जे अने बायण में अने मथे की गाल ये के तेरे तो जे सती स्त्री तो पापा ने चरित्र तमारे वाखाणी था पण असा केड़ो अनुभव ना है तो सुग्रीव जे भाई असा केड़ो लगे तो करा जी मथो खेले तो असा के लगे के सती स्त्री सच्ची भगवान राम समझाते के परीक्षा खासी ना है पण मथो हाथ में खणी फोरे में रखी पे जो आंसर इन में चौपाई है छंडे ने तो जा पति देव धिंगाणे में तो थाक लगो है थोड़ो खेलो अने मथो खेलियो तेरे लक्ष्मण पगे लगो के धन्यवाद है ना भारत भूमि ये ताकत है कि दड़ में मथो लड़े पूछे अने मथे में जो दड़ लड़े एड़ा दाखला है ना भारत भूमि सिवाय भी के के देश में के सोया नहीं नहीं देखियो नहीं सुनियो एड़ो के ताय ना मथो खणी सुलोचना पाछी आवई सती थे के पुठिया खबर पई रावण के मुझो पुत्र एंडी युद्ध बंद रियो एंडी अग्नि राखेला भगवान रामचंद्र जी पर फेरा शामिल थे आई अने कोई ने बता बापू भोजन लिखे आया के राजनीति जो पण इन भोजन नो अगिया चाल करियो तो को रावण युद्ध ते चढ़े तो रावण युद्ध ते चढ़े तो एक खबर पई राम के विभीषण के राम माने विभीषण जी मूर में वेजी थोड़ा अधीरा थिया अधीरा એટલે ઉતાવળા થયા ઉતાવળા થઈને એટલો છે જે મહારાજ આ જે પગે મેં ચાખડ્યો નાય અને એની વાટે હથિયાર ઘોડા રથ હાથી બક્તર અને શંકા બોય જે અર્જુન જી શંકા હે અને કૃષ્ણ વટે वो कुरुक्षेत्र जो मैदान है हेत लंका जो हाँ हिंदी शंका है विभीषण की शंका ही चेती युद्ध की जीतबो ये युद्ध जीतबो की सामे बरु गाई अने हथियार है हे जे तो युद्ध की केनो ऊंचा पण बोए में जानी राम गीता मिले याने नोनी भगवत गीता मिले अने एन में जानी भगवान राम चेता के जगत रूपी शत्रु के जीतनो वे विभीषण ई रथ अलग वे ई घोड़ा अलग वे इन हथियार अलग में अने वो चौपाई में एतरो लिखे वो चौपाई छो अने सजी राम गीता जी एकड़ी कवि हरिदास बाबू जी बोलो એટલે पूरो थीतो वजे सौरज धीरज तैरत जाका सत्य सील वर धजा पताका सौर्य अने धैर्य रूपी को घोड़ा यो पहलावे सील अने सत्य जा को पताकावे हरिदास बाबू जी नो ध्यान की कमाल बाण बुद्धि तर्क स्वारी ज्ञान के तुरंत जदी ब्रह्म लोक दाय होए धीरज लगाम समापाखर वैराग्य जीन अने संयम के पायरे पे पाव ही ठहरायो है कवच विचार प्रेम चाबुक विवेक टोप संतोष की डाल सील फूल ही लगायो है कहे हरिदास हरि नाम को खड़ग लिए ऐसो असवार देखी काड़ ही को डरायो है हेड़ो वचिंदो है तो काड़ पड़न ब्रा धर जे अने राम गीता सज्जानी अने साम सामा युद्ध थिया राम ने रावण जो
वरण का अद्भुत है पण मथा जितरा भगवान बाणे मथा उठदा जे पाछा थिदा जे जानकी जी के त्री जटा कथा सुनाई थी अरे के मां रावण मरे न तो वजा नया नया मथा उगे था तो माता जी जाने मुजो दुर्भाग्य हो तो वजा जीवाड़ी रियो है छे हाणी मरे की पापी त्री जटा आश्वासन देने जे मां रावण 100% मरदो पर रावण आज जो चिंतन करे तो हृदय में ही बैठायो आज हृदय में राम बैठो है राम जरे थे में ब्रह्मांड चोटे ब्रह्मांड मिज बैठा है हेवर पाण हणे ते चोटो ब्रह्मांड मरी नहीं है हाणे आम जा ध्यान खणदो तेर भगवान के दा गंगा अने भगवान विभीषण पूर्व जी जे छे बापू नाम भी कोन सोस्यो अंदर अमृत कुंभ है नाम भी रे घर फूटे घर जाए तमाम मारे दर्शन विभीषण दिंदो आयो ने भले भगवान का ब्रह्म धारे कर सके पर पाला कर ने के बा फटे घर घर को फूटो राज गोरी को हलो गयो अने भगवान 31 बार चढ़ाए है मच कवि लिखे के जमणो पठी आवयो नाग होगी आवयो जग कोपे रघुनाथ धनुष चढ़ा लीनो दहन सो बहा बोली महाकोप कर गए दानन पे मानन पे बोधन पे आगे हो अने दान में मान में खाते में मीठी पेरे में राम राम के में डाबो हो जमने के चतो मड़े में अगिया अने ज गायो ते पुठिया बजे तो जे बोलत है बचन ते लक्षण ना गच्छन में बात पूछूं गच्छन पे आऊं राम जे कर ने पूछा तो के रावण जा रावण के दसो शीश हर की आशीष इनके माटे जा आशीर्वाद ही इनका डो मथाई एक बेर तोरू के एक एक करके हकड़े फेरे कपे जा तो हकड़ो करे ने अने 31 बाण राम भगवान सजा एन में दो मथा वी हथ अने 31 बाण नाभि गुण में छणयो काज जो पार सने छणयो अने सजे जगत में जय जयकार थयो अने देवता मथा फले विष्टि किया बोलिए रामचंद्र भगवान की जय रावण थयो रावण जो थयो होता रावण जी उत्तर क्रिया विभीषण करे तो उत्तर क्रिया करे चार वानर के हलाए विभीषण लंका ये पाठ बैसा ने आनी दर सीत कलंक होता इस सत्ता स्वभाव अने प्या राजतल करे अने पाछा च्या के हाने माता जी के कोठी तो डोली में कोठे आया के खबर न ये अग्नि के भगवान राम सोपिया ते लक्ष्मण जी हाजिर ना है अपे ते एकला जवा अने च्या के आऊं नर लीला करिया तो ने अग्नि में आई वेजो ने इनी प्रतिबिंब छाया बाहर आवे हाने पाछी छाया के नेला करे अने भगवान बाहर नो एकड़ो पियो सबड़ वापरिया के माता जी कलंक की तई मुके अग्नि में जा कटणो है बे गई थी मां भगवान ई समझेता ई नाही भगवान चेता के जो को सोपैया सीताए पाछी खपे એટલે લક્ષ્મણ કે જતા લકડા ખણી લક્ષ્મણ મરમી જાણે નતો લક્ષ્મણ જે તો બાપજી જે શંકા ફૂટી કર્યો હતા જે આવ ચાહી કર તું અને વ્યા લકડા ખાયા એમ પૃથ્વીમાં દાખલ થયો ને મૂળ જાનકીજી બહાર આવ્યા અને સીતારામ જે દર્શન ક્યાં એની પાલખીની તૈયાર થઈ મળે દર્શન ક્યાં વિભીષણ એની કે પુષ્પગ્રહમાં દેતો પૂજાય પૂરતો એની જો બાપ રાવણ જો એમને ભગવાન રામ લક્ષ્મણ ને જાનકીજી અને બેઠા અને એની અયોધ્યા જ્યાં પ્રયાણ ક્યાં તે ચોડો વળી અવધિ પૂરી થઈ હતી તે અને એની પ્રયાણ ક્યાં એને પ્રયાણ ક્યાં એને તુલસીદાસજી બાપુ લખે તા કે જેતે જેતે મેં તે વચન દનાવા હે તે મણી ઠેકાણે વેંધા વ્યા નિષાદ રાજ વટે જે પુષ્પ ગરેમાં ઉતાર્યા ગંગાજી મેં સ્નાન ક્યાં તે હનુમાનજી કે તરો જ્યાં કે ભરત મુજો ચિત્તોને તરો કરે તો તું જપાટે ને કે જવા સમાચાર દઈશ કે ભગવાન રામચંદ્ર જી અયોધ્યા જે પત્ર પૂજી રહ્યા અને પર્વત જળ પથ્થર વારે જી ચિત્તન કરે તો રામ 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 અને હનુમાનજી મળ્યા અને રોગો દર્શન દેના અને રોગો સમાચાર દેના સાક્ષાત ભગવાન મળ્યા એટલો હનુમાનજી કે છાતી સરસો ભેટ્યા અતિ આનંદ થયો સમાચાર દેના અને ભગવાન રામચંદ્રજી આની વેમાનમાં બેઠા અને તુલસીદાસજી ઉપમાંડને રામ લક્ષ્મણ અને જાનકીજી પૂર્ણ ઉપમાડુઓ રામ કથા જોવાય કે શશી સોળ કળા રાકા શશી રઘુપતિપુરી અને સિંધુ દેખી હરખાન બડત કોલાહલ કરત જનો અને નારી તરંગ સુમાન સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય ઉપમાઈને કે રામ લક્ષ્મણ અને જાનકીજી એ પણ આકાશમાં તો તારા ચંદ્રની ઉપમાન ના કે ચંદ્ર બુદ્ધ અને રોહિણી એ પણ આકાશમાં પણ રામ ભેરા વાનરાય ચંદ્ર ભેરા તારાય ચંદ્રમાં ચોડો ચોથો પૂરું કરીને પૂનમ જોગ હોય રામ ભગવાન ચોડો વરે પૂરા કરીને પૂન पूर्व पाछा चेता चंद्रमा ग्रीष्म जी गर्मी जो हरण करे तो अने भगवान राम वियोग जी अग्नि जो हरण करे तो अने भगवान रामचंद्र जी चंद्रमा राव में जा छुटो थे अलग ग्रहण में जा अने हे रावण रूपी राहु के मारे अने जो उद्धार करे ने आया है सातवीं उपमा ये दिन आया कि बद्ध कोला
समान सीधो रहमान उतरियो पुष्पक एन में भगत बापू चेता ने राम कथा चेती के न कौशल्या माँ के मिले लव्या न ऋषि पत्नी के मिले लव्या न कुल गुरु के मिले लव्या अने अंदर नो पछतावो ने परिताप करी थी लोक करी थी के मुझे गाने राघो के चोटो वरी वन में विजनो खपियो अब तो ऊंचन तारो उठेलो है अने छेटे वो बने के कई माता बंदूक में जा गोली छुटे के बाण में जा कमान में जा बाण तीर छुटे तिंगाड़ा हट करता लक्षण दिशाई पी आई अने एत्रो ज्या के माँ तू अंदर नो संताप पामी मुके मजा लती है कारण के वन नदी कदाच पे जासो राज करे हर जो राम राज वो अने लाड थी वियो पण सत सत जने खबर पई जरे वन ने तने अने भाई बंदी हो तो तुलसीदास की चौपाया धीरज धर्म मित्र अरु नारी की केरी खबर पे जो आपतकाल पर किए चारी आपती ये समय में कब तो खबर पे नगद खबर न पे अने कोई के चेता के मां सच्ची नी खबर पई अने भोजन उगाई दिया थोड़ा पान टूक में कोई जो वर्ण करे कि नहीं तारो छे प्रताप ए जीवन माये विगत लादी सात जने तब तो तारो छे प्रताप जी एकड़े एकड़ो चालूगे पिताजी ने काने पड़ी ए चारे वन जवानी वात जी उतरना वियोगे प्राण तजिया मर जो आवा तात जने तब तो तारो छे प्रताप जी हे मां पुत्र ने पेजो प्रेम वे पर एत्रो प्रेम वे मुके खबर हेवर पई केर पई केरो को सुमत थी ने लो जे राम ने लक्ष्मण जानकी जी पाछा आया नाही तमसा नदी के किनारे ते हम छडी आईया अने आया नाही ते करो तो जे प्राण सग ने ए जी त्रुण समायण प्राण छोड़ा येने छोड़ी जीवन नी आस बनू सीता तो बनू एवो हतो रघुनाथ ना जेवो ए जी बनू सीता तो बनू एवो आने हतो रघुनाथ ना जेवो तड़खले वाले जी प्राण जो त्याग के पे जी खबर पई वो भाग केड़ो वे ते जी खबर पई तजी नारी तजी नींद्रा ने तजा मात ने तात जी लंका नारायण मा जीव तजियो मर जो लक्ष्मण भ्रात जने तब दो तारो छे प्रताप जी हे मां भा केड़ो थे खबर पई को भरत की खबर पई किरियो थे आई ने रे तने आम ना यो तो फोन चालू है अरे तजी नारी तजी इंद्रा तजिया मात ने ता लंका ना रण मां जीव तजियो मरजो लक्ष्मण भ्रा जनेता कारो छे प्रताप को भाई विना नो वैभव मरता अने तन मां सड़गियो ताप भरत केरू प्रेम भरता अने खुट्या कवि ना माप जनेता तारो छे प्रताप क्या ना वानर हूँ ज्ञानो अने घड़ीक नो मेम मेड़ा कपी आखा कुड़ ने होम्यो ने जपी मरण नो जाप जनेता तारो छे प्रताप कुंभ करने रावण योद्धा जेना जो ममा एना बड़ नु माप मड़ियो ने मम होजा बड़ माप जनेता तारो छे प्रताप अने छेली कड़ी में मारा मनड़ा केड़ी मूर्ति हरण सीता सता काद मने हनुमान सेवक काद कहे हनुमान मड़िया सेवक टाड़ता हनुमान जेड़ो सेवक मिलियो भरत ने लक्ष्मण जेड़ा भा मिलिया रावण ने कुंभ जेड़ा दुश्मन मिलिया मित्र सुग्रीव जेड़ो मिलियो अने पे दशरथ जेड़ो मिलियो की सब चीज की खबर छे मां वन नदी न पे अने वाजते गाजते अयोध्या में प्रवेश किया आरती उतारिया इनी यो आनंद जो तो पण वर्णन कर सकू थी नाई अमुक समय उठिया वशिष्ठ बाप जी ने के कोठा है सारो मुहूर्त नारे अने सुन जे सिंहासन मत है जानकी अने मां जानकी जी अने भगवान रामचंद्र जी के राज की तैयारी किया इनमें पहलो तिलक वशिष्ठ बाप जी करी था जानकी जी के अने भगवान राम के अने राम राजी थापना किया बोलिए रामचंद्र भगवान की जय अमुक समय पुठिया राजनीति धर्म गणे कार्ती राज हले तो है तुलसीदास जी राम राजी कथा में उत्तरकांड सुंदी लंका कांड में जगह विराम देना अने वो उत्तरकांड यानी चालू किया राम राजी थापना थी वही यानी उत्तरकांड चालू किया उत्तरकांड में भगवान रामचंद्र जी नर लीला क्या वाय में हेकड़ो को नाग पास में बदन हुआ नारद जी की इच्छा से गरुड़ जी के हलाने ने जनी छूटो क्या अने ए जड़ो करे गरुड़ जी के दो युद्धपति वियो मड़े रामराजी थापना थी वही मड़े नीति धर्म सारी तेलो तेरे गरुड़ जी केड़ो विचार आयो के भगवान ने नागड़े से छूटा थी ने भगवान की बताई ये आया थे तो वेच में के भगवान शिव जी मिलिया तो शिव जी के पूछ्या
से महाराज भगवान की वदन तो शंकर विचार है कि समाधान राम करे दिया पर मुझे राम जी एड़ी इच्छा है कि एकड़ो को तभी मन आयो कि हां भगवान जी मूर में या भगवान मन में सवारी करी दा मुके माया न नड़े अने कागड़ा तो चंडाल पखी है इनके हलया काग तू सुनी रे ख्याल छे से भाई आऊं ता कैलाश वेजा को कुबेर वटा भरियो या तू वाट में मिले तो समाधान कर सकती आए न पर तू खग की बात खग या ने चुप करे ने वही रोज दलील कुए कज फेराओ तो वही रोज अने उत्तर का उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है उतकड़े रखा गुसरो जी कथा करी दा उते वियो कथा जो बालकांड नो चालू थयो उत्तर का बालकांड नो करे ने ठेठ लंका कांड सो की कथा थई तेर गुरु जी के पूछे बाप जी बता रहे हैं जो कारण छि जिन बीमारी ला आयो हो बीमारी ज मठी हुई है ई सत्संग जो महिमा बताय दो के जेते सत्संग थींदो वे भले आकार ना पण अणु परमाणु काक बुसुरी की कथा ही चेती के चार चार गांव में एक हकड़ो कड़ो को यो जत એટલે माया न अचे जेते सत्संग थींदो वे ते माया न अचे એટલે जेने बीमार ना आयो बाबू ए मुजो समाधान थी वियो हां ता करो जा भागे मुगा थोड़ी शंका ए डारे दियो ज्ञान ने भक्ति में फर्क को एकड़ो ईश्वर पूछे त्रियो सवाल ही पूछे बियो आके कागड़े जो शरीर प्राप्त की थियो त्रियो सवाल ही पूछे के संत लक्षण चो मानसिक रोग जो दुख करो सुख करो पाप को में है पुण्य को में है अने मेरी नो शरीर उत्तम क्यों इस सब सवाल पूछे मेरी जो समाधान करे नहीं चेतो पहलो समाधान की है कि भाई सब सवाल पूछे उत्तम शरीर क्यों ते नारद का कुसुंड जी गरुड़ जी के जेता कि उत्तम उत्तम शरीर नर ना माड़ जो कोई उत्तम शरीर ना सरग नरक अरु वर्ग नरक सरग नरक अपु वर्ग निशेणी ज्ञान भक्ति वैराग्य सुख देनी ही एड़ी निशेणी ईश्वर ने सरग दिया मडो सरग दिया वेदा नरक दिया मडो नरक दिया वेदा अपु वर्ग मोक्ष दिया मडी ना मोक्ष दिया वेदा शरीर माड़ जे शरीर जो उत्तम कोई शरीर ना तो कोई जो दुख क्यों नहीं दरिद्र दुख जग माए दारिद्रता यड़ो कोई दुख नहीं तड़े सुख के जो संत यड़ो कोई सुख नहीं संत मेले यड़ो कोई आनंद नहीं पाप को में है जे पर निदा सम नहीं अधमाए पाप की निदा यड़ो पाप नहीं अने पुण्य को में है जे पर उपकार यड़ो कोई पुण्य नहीं मानसिक रोग कियो जे मोह सकल व्याधि ने कर मूला अने तही पुण तही ते पुण्य उपजे बहु सूला तमाम व्याधि जो कारण वडे में वडो रोग जे के मोह उत्पन्न थिए तो ही अने कोई त्रय मुख्य रोग ने जो कोई इनजो परिवार गच है काम वात कफ लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा काम क्रोध ने लोभ वात पित्त ने कफ ई समझाया इनके पुठिया को ज्ञान ने भक्ति में फर्क को ई कथा पण दुख में करे नो तो पहलो इनके काक बुसुंड जी गरुड़ जी के जे तक हे गरुड़ जी ज्ञान ने भक्ति में फर्क इतरो जाए कि ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि तो को बताणो की है तो के बताणो इतरे है कि जड़ चेतन ने ग्रंथि परी गई जड़ अने चेतन એટલે શરીર જળ है जीव चेतन है इनकी गठ पई हुई है गठ आए कुटी पर दृष्टि न पे दृष्टि की जो प्रकाश से अने ज्ञान के दीवे जो मांडनाया काकू सुनी अने भक्ति के मणि जो मनाया के ज्ञान ओखो बताएं ओखो इतना सुनी बताएं कि इनी सरी व्यवस्था बताएं कि इनके उजारो खपे गण छोड़े ला उजारे ला डीवो खपे डीवे में घी खपे गेला करे गाय खपे तो सात्विक सरकार रूपी गाय बताए दिए हृदय रूपी गौशाला बधे में अच्छे इनमें नवृत्ति जो पगे बधे नूंजण अच्छे विश्वास जो पात्र अच्छे निर्मल मन वारो गोवाड़ियो खपे डोए वारो परम धर्म रूपी दूध डोए के ने नियम सियम रूपी ने गोंगे चलो जा रहे में अच्छे कोई भाव जो वाछड़ो खपे निवृत्ति जो नूजन खपे कोई दूध के कोसो केनो खपे એટલે संतोष रूपी अग्नि परिठ है आने दूध के कोसो करे इनमें मरण वेचनो खपे संता जो मरण वेचे कोई जंगे जी क्रिया आजी थी इंद्रिय दमन रूपी पाटलो रखे सत्य जी रसी એટલે કે નેત્રો ખપે બુદ્ધિ જી મધ્યાણી ખપે એમ જો વૈરાગ્ય જો મખણ કટી ને वो इनके मेल रहित केनो खपे ने जोग अग्नि करी प्रगट तब योग अग्नि प्रगट करे इनके मेल रहित करे सदे अने इनके पुठिया घी थिए ते चित्रूपी दिए में घी विजे इनमें वट खपे वटला कपा खपे कपा में कपासी आई इनके सतोगुण रजोगुण अने तमोगुण त्रय अवस्था जे कपासी कटी विजे चौथी तुरिया अवस्था में घणी न समझे समाधि भाषा है तो पाण अज्ञानी समझो ता तुलसीदास ने पांजा कवि रो चे के कोई सुतल माड़ुए इनके उठिया रिजा
એને કે પોચ્યા તું કરો કે તેથી એટલો જોતો આનંદ છે સતો એ આનંદ હે ને ઈ ઈ તુરી અવસ્થા સમાધિ મે સંત કેને તને પા નજર મે કેનો થાય તો પર ઓને કે ભગવાન મેલે તો પાકે સોના લચે પાપડી હડક્યા પોતા થી ને ઓની કે પરમાત્મા ને દર્શન થી સસાજે ખોરે મે સમેતા ને ની હાલત હી વે ની ઈશ્વરે ખોરે મે સમેતા હતા પાલુ બાપુ અર્થ કે કે જ્ઞાન રૂપી રામ વૈરાગ્ય રૂપી લક્ષ્મણ કામ રૂપી મેઘનાથ જે બાણ હે વૈરાગ્ય કે દસે વિધે પણ સસાજે ખોરે મે સતો બ્રહ્મચારી રૂપી હનુમાન સચિવ ની ન ખણી છે પણ જ્ઞાન જે ખોરે મે તો બ્રહ્મચારી રૂપી હનુમાન રામ નામ રૂપી ઔષધિ વેજી અને કે ઉભો કરશે ને પાછો ચાલુ થઈ ગયો ભટકત કરો તો જુરે તે હિકાલ ગટકત અંગે કનંગે ગતાલ ચટકત બોલત બાણ કમાન અને ઈ જ્ઞાન જે ખોરે મે તો સંસાર જે ખોરે મે સતો હોય તો માડું ઉભો નથી એટલે તુરી અવસ્થા ચોખી વટ બનાય એને પાછું તેલ વેજી ઘી વેજી દીઓ કરે જી ગઠ થોડે તૈયારી કરે ત્યાં રિદ્ધિ સિદ્ધિ પ્રેરે બહુ ભાઈ અને માયા વગન અનેક કરે અને ત્યારે એને કે પતંગિયા નડે એને કે રિદ્ધિ સિદ્ધિ નડે બાપુ બાપુ છે પગે લગે તેને પેલો મોયલે ભગવાન રે એકડે બરાડ વરી જે ને ભરા એના ઘણા વખત ભગત બાપુ જોતાવા કે પ્રશંસા પ્રણામ પ્રશંસા પ્રણામ અને ફૂલહાર પુષ્પહાર આ ત્રણેય કે સાધક માટે મોટામાં મોટી બાધારૂપ છે ભગવાન એટલે કોજણો એ ત્રણેય વટે મે વટે બાધારૂપ પઈ એકડા કોઈ પગે લગે એ કોલાર પહેરાય અને તે વાવા છે પ્રશંસા કરી તું આણે ભારો પર સમજણો એ ભગવાન એટલે કોજે એમ વાર લગાવી દીધા આણે નફસી કે યાને નાક બારો કે તરે જેને કે ભગવાન અહીંયા મળ્યો તો જેર ગઠ છોડી તૈયારી કે ટેમરો માયા વેગન કે ને ઈ સમજે સાધક કે માયાની સેના વિવેક ઉપયોગ કરીને આગે વજે તો દેવતા વેગન કરી અને દેવતા કેત કેત રહેલા કે કેન્દ્રીય દ્વાર જરોખા નાના અને તહા થાન બેઠે કરી થાના તમામ ઇન્દ્રિય દ્વાર મતે ભાગવતી જેથી ચોટો જેણા રામાયણ ને ભાગવત જેથી ચોટો જેણા માળું ભેરા સતત હાજરી પાપ કર્યો કે કોને કર્યો એ ચોટો જેણા તો રસી તા તું કરો કરી દો આખ જો દેવતા સૂર્ય કન જો દેવતા દિશા મન જો દેવતા ચંદ્રમા બુદ્ધિ જો દેવતા બ્રહ્મા ચિત્ત જો દેવતા વાસુદેવ અને અભિમાન જો અહંકાર જો દેવતા ભોળોનાથ હાથ જો દેવતા ઇન્દ્ર પગે જો દેવતા ઉપેન્દ્ર ચામ જો દેવતા પવનદેવ જેપ જો દેવતા વરુણદેવ પાણી હટે જો દેવતા પર્વત નાળી જો દેવતા નદીઓ પેટ જો દેવતા સમુદ્ર હી મળે ઓ તારી મંગેલી ખુવા અને કચ્છ કવિ તમે ચોદ કાન જીવ બાંધી દ્રગ વરુણ અનલ દીને બુદ્ધિ બ્રહ્મ દેવ હુકી દ્રગતમ આહાર કી ઉદર ઉદતિ મન સહી નાળ નદી કી રોમ તરી હી કી નાક અશ્વિન કુમાર કી હાથ દીએ ઇન્દ્ર પાવે ઉપંદ્ર હી કે ત્વચા વા હું કી યઈ દેશ પે પાર કી આમ લીન કીન અવ દીપે પહોંચતી કરે ન પાલુ તો મોરાર આપ હોય કે નિદાન અંત નાર કી આખર કી ન રહે કોઈ છેલે બાકી જે વિઘ્ન દેવતા કરી અને એને મે ગ્રંથિ ન છૂટી અને મિટાસો પ્રકાશા ગઠ છૂટઈ ન પાછો આંધારો થીવ્યો વરી પાછો યાની એકડે થી ચાલુ કેણો ગાય ખપે વાછડો ખપે નોંજણ ખપે નેત્રો ખપે ગોવાળિયો ખપે નિયમ સિંજો ચરો ખપે ખીર મે કોસો કેણો મેરણ વેચણો જાગણો એને કરતા કાક ભૂસોલીજી ગરુજી કે જેતા કે એનો કે ભક્તિ રૂપી મણી મળી જાય તેને મણી કે ન તેલ ખપે ન વટ ખપે ન મી નડે ન વા નડે અને એ મણી કેતવે તો કે શેષ નામ જે મથે મે અને કા હાથી જે મથે મે તી ભક્તિ રૂપી મણી રામ નામ ની મણી એકા પુરાણે મે વે અને કા સંતે વટે વે ત્યાગી વૈરાગી એડે આત્મા જા પૂરી કેડે જોગી ની પગે ની ધૂળ ચટી જે જગ જેરી નાગ વટા જ્ઞાન ને મુક્તિ જ્ઞાન ને મુક્તિ ને જ્ઞાન મણી આશ્રો ઉની યોગી ની જતન સે જપી જે પ્રેમી પાગલ વટા પ્રેમ જો પતંગ ની રંગી જે રડે કે મજ ગટે ગટે ઘટી જે મોહબત સે માણક જે મીઠો ના માલિક જો છતે મેળે છૂટી કરે રોજ બેઠો રટી જે સંસાર મે પણ ઈ જાય મણી પણ આય અને ઝેર પણ આય સપ મે મણી પણ આય અને ઝેર પણ આય એટલા કરે આને પતો સીધાજી વાણ લખી કે શાસ્ત્ર રૂપી પુરાણ પાંજા ડુંગર એને મે ભૂમિયો રૂપી સંત વે અને ભાવ ની કોડારી વે અને જ્ઞાન ને વૈરાગ્ય ઉભો અખ્યો લગાવે છે ભાવ સહિત જો ખોજે પ્રાણી તો પાવે ભક્તિ મણી સબ સુખ કાની અને મોરે મન બધું અતિ વિશ્વાસા રામ સિંધુ ગણ સજ્જન ધીરા ચંદન તરુ હરિ સંત સમીરા રામ તે અધિક રામ કર દાસા મુકે વિશ્વાસા કાક ભૂસુની કથા સુણાઈ તા કે મુકે રામ મથે વિશ્વાસ હે મુજો સ્વામી હે આમ જો દાસ અહીંયા કે મુકે મણી પ્રાપ્ત થઈ હે તી તોકે પર થીંદી તું આડા પ્રયાસ કર તો છેલે બાકી જે જે મણી એડે ઠેકડે રખો પિડકે લાભ કરે અને જગત કે લાભ કરે કેતરા ખંદા તુલસીદાસજી દુઓ લખે કે રામ નામ મણી દીપ તર અને જીએ દેહરી દ્વાર તુલસી ભીતર બાહિર જો ચાહે હો જિયા
राम नाम की मणिया जे जब जे द्वार ते रखी रे ताने घर में अंदर प्रकाश संदी अने बाहर प्रकाश संदी अने ई मणि के न दीवेल खपे न की खपे अने उत्तरकांड की कथा में अति विस्तार पूर्वक जा तमाम कलियुग वर्णन छे तो ए कलियुग में वर्णन छे तो अने कलियुग ये ताणी है ई चोखो चौपाई जोड़ थे सेटे सेटो घसा से खेतर में नहीं रे खूंट आडीवान छोड़ी करी ब्राह्मण चढ़ से ऊंट गायो भैंसो जासे तो जाना मारे से अजिया राज तो राणी ना थे से थसे पुरुष था से गुलाम गरीब नी अर्जी कोई सांभड़ से ने कर से साहेब ने सलाम एवी बेनी रोती जासे सकपण में रह से साली पूरे बीच में बैठाई हूँ कली जो वर्ण में पूरे पूर्व है पर समय के कारण टूके में महापुरुष भजन में करी वे आई तो पाजी राम कथा की यात्रा उमास नो करे ने आरंभ कियो ने पाछी आज उमास है त्रीदी पूरी की कथा वडे में वडो मांगे आओ तो गाग बाबू लिखे है मांगे मांगे काई कंकू ने गुलाल मांगे मांगे काई दूधड़िया नींदार एवा अधूरिया ए मांगे रे माड़ी माने परचा पुरो हो राज माताजी पेचो खपे तो सोनन वाजो के तो भगत बाबू चा तुमने एम कहे थे कि माताजी ना हाथ माथी कंकू नहीं झरतो माताजी ना हाथ माथी दूध की धारा नहीं झरती ई आके पेचो खपे तो ई पेचो नहीं चा आमे में साख पई द्राख ने श्रीफल ने आमा ने ये थी तई पेचो नहीं दरिया 9 लाख लोग तो बजाड़े पेचो नहीं है के आधा नहीं लटके लटके 9 लाख जोने ब्रह्मांड लटके चांदलियों ने बाण हैं चांदन ने सूरज थिरवे पासो जो को में अटकल है ना चाले करी ना खबर है मिल के छूटा पे आई छणे कोला तका अने आके पर जो खपे तो ही थे भगत बाबर में था गीत लिखिया अने एन परचे जो पाण अंकु खरे ई खेचे जो गाली होई तेल में हाथ वे जे कढ़ाई में कटड़ो खेचे जो गाली परचो हन के मनिया तो को मेणे दी कथा में आई बैठी है वगन न पे परचो हन के मनिया तो के नवरात्र थींदा ने ते में कड़े ढोल मत न रहे आ परचो हन के मनिया तो के तमाम चारण फेरा वही देखी आ परचो हन के मनिया तो जो को तमाम चारण के तो डॉक्टर न वने अने बा फेरा वही देखी गेट के बारे मुबारक जे को जो पाजा विचार न मिले अलग गल है पर गेट के अंदर आई बैठी है मास रार फेरा के मां के योद्धा नहीं के फूटा का पे खोड़ी पुत्र के धार करो ता मां छे ना ना पप्पू भरो पटी दो तो के घटा खबर नहीं हे वाटो जरा स्वभाव जोड़ा है मां जो स्वभाव यार का मां यो मूर में बैठो वे के खबर वे पांच ते कृपा पूरे पूरी ही मनिया तो ही कोई पक्षपात और व्यास पीठ ते बैठो यहां भगत बाबू मुके न्याय नाया मुके अंदर नो कर कर करो आवाज दिए के बिना गुण करे गान काग ता को कयो पाप गुण वगैरह जा वाखण केना व्यास पीठ वडे में वडो पाप है जी शारदा जी चोरी थी थी गणे मुके जे या तू बोरो भारी खेड़ी तो आज भारी तो खिया मुके बेचारा को वही रे तो हीरावर पुर तो कीम देव दिया ये भूए गया आज मुके को कुछ है तो वजे अने गुण कौन कियो गान वो भी बड़ पाप है गुणवान मारो जब आंखान ने कहना ये ब्रह्म ये ब्रह्म पाप है आज बाहर वाड़े कितने पढ़े ये तो सुगंध है खाखरी जवाबदारी बदेती ये खाखरी जवाबदारी बदेती भाई रीते हैं ही कथा है ना पांजी कोई स्वार्थ की कथा ना है कि भाई मुके समाज की री तो समाज के अड़ो ना है कि ढाई के सी सम्मान मुझे इज्जत है या मैं यो को सांप में यो को खेत है मुझे माटे सम्मान जे आजो ना का मुजी को बड़ी बाहर बंद थी भाई तो तुझे समाज की तो कर पहला पूरे बाहर माइक के बोले आज तो मैसेज ये दिशा की तो तेरे देया हां कर तो माता जी की कृपा है के मनियो था के मड़े पांजा समाज जा अन्य समाज भेरो थी दो है पां वटे अने एकता होती ब्या समाज पर पां के भेरा थी ना रे भाई रामायण इच थी भगवान नीति से बात वानरा साथ देना रीछ साथ देना रावण जो सबो बाण के छड़े ने अनि थी वो अने पां तरी पांची रीते माता जी